Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Hey guys, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पहला लेक्चर, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसके काइंड्स क्या है. तो सबसे पहले अगर हम जाने कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए स्टैट्यूट का मैंने. स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधायपालिका या फिर ऐसा कह सकते हैं लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी रिटन लॉ इनेक्ट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है स्टैट्यूट. तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज हुई है लॉ, लॉ का मतलब क्या है भाई? लॉ का मतलब वही है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में दिया गया है. यानी कि लॉ में इंक्लूड होते हैं रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? ये सब लॉ है. और रिटन लॉ जो कि इनैक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टैट्यूट है. तो इनको हम स्टैट्यूट भी कह सकते हैं. लाइक जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या है? ये सब स्टैट्यूट्स हैं. तो जो स्टैट्यूट होते हैं उनका मीनिंग, उनका मतलब क्या है, उनका क्या तात्पर्य, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ये जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से डिराइव्ड हुआ है जो कि है इतर प्रतारी, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसलेट या फिर टू एक्सप्लेन या फिर टू एक्सपाउंड एक्सेट्रा. अब अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन के मीनिंग की, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक कला, एक आर्ट, जिसके जरिए फाइंड आउट किया जाता है ट्रू सेंस ऑफ लेजिस्लेशन या फिर ऐसा कह सकते हैं ट्रू सेंस ऑफ इनैक्टमेंट या फिर ऐसा कह सकते हैं ट्रू सेंस ऑफ स्टैट्यूट. कैसे? जो स्टैट्यूट में वर्ड्स हैं उनको उनका नेचुरल या फिर ऑर्डिनरी मीनिंग देकर. तो ये जो कला है इस कला को कहते हैं इंटरप्रिटेशन. यहां पर आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा इंटरप्रिटेशन, एक सुना होगा कंस्ट्रक्शन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. यही डिफरेंस है कि भाई जो इंटरप्रिटेशन है वो स्टैट्यूट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका लिंग्विस्टिक मीनिंग बताता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके तहत लीगल इफेक्ट पता किया जाता है उन वर्ड्स का जो कि स्टैट्यूट में यूज हुए हैं. तो ये छोटा सा डिफरेंस था कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन में. अब अगर हम बात करें कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. वो इंटेंशन लेजिस्लेचर की डिटरमाइन करना जो कि लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन में कन्वे की है, चाहे वो एक्सप्रेसली कन्वे की है या फिर इम्प्लाइडली कन्वे की है. तो उस इंटेंशन को डिटरमाइन करना ऑब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन का. अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे संबंधित एक केस था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुल्य. इस केस में ये बात हेड हुई थी कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ तभी करना चाहिए जब क्या होता है, जो स्टैट्यूट में शब्दावली यूज हुई है या फिर ऐसे कह सकते हैं जो स्टैट्यूट में लैंग्वेज यूज हुई है उसमें कोई एम्बिग्विटी है या फिर वो अनक्लियर है या फिर जो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है वो उसको डिफीट करती है. इन दैट सिचुएशन इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई एम्बिग्विटी नहीं है और जो लैंग्वेज है लेजिस्लेशन की वो भी अनक्लियर नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोई भी जरूरत नहीं होती है इंटरप्रिटेशन की. कहने का मतलब है जब बिल्कुल साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि जो शब्द यूज हुए हैं उनका मतलब क्या है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है और बिल्कुल क्लियरली सब दिख रहा है, सब पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो इन दैट सिचुएशन इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती है. अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की,
तो इंटरप्रिटेशन के दो इंपॉर्टेंट काइंड्स होते हैं। पहला होता है लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा होता है फंक्शनल या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की, तो भाई लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के तहत जो कोट है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। क्या करने के लिए नहीं अलाउ किया जाता है कि भाई जो कोर्ट है वो क्या नहीं कर सकती है, वो जो लेजिस्लेशन है, जो स्टैट्यूट है, उसमें जो बात है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अर्थ से वो डेविएट नहीं हो सकती है। जो का त्यों ही उसको समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो शब्द यूज हुए हैं लिटरली उनका जो मतलब है उसका अर्थ उसका मीनिंग जो का त्यों ही लगाना पड़ेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस यूज हुआ है या फिर कोई पैराग्राफ है तो जो ग्रामेटिकली उसका अर्थ निकल कर आ रहा है, जो स्टैट्यूट में पैराग्राफ यूज हुआ है या सेंटेंस यूज हुआ है तो जो ग्रामेटिकली अर्थ निकल कर आ रहा है वही अर्थ उसका लगाया जाएगा, जो का त्यों ही अर्थ लगाया जाएगा। यानी कि कोर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन करे या फिर उसमें कोई हेर फेर करे, उससे वो डेविएट हो। तो ये होता है आपका लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल का मतलब सिंपल यही है कि भाई जो शब्द यूज हुआ है किसी स्टैट्यूट में उस शब्द का वही अर्थ आप लगाओ, वही मीनिंग आप लगाओ जो उसका नेचुरल मीनिंग है। अब अगर हम बात करें फंक्शनल या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, तो फंक्शनल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के तहत कोड को मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। यानी कि कोड क्या कर सकती है, जो शब्द यूज हुए हैं स्टैट्यूट में उनमें हेरा फेरी कर सकती है, उनसे वो डेविएट हो सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तभी जब ये जो चार कंडीशंस अभी हम डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी एक कोर्ट के समक्ष उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन है कि अगर क्या हो जाता है, एम्बिग्यूटी उत्पन्न हो जाती है, मतलब वेयर देयर आर टू और मोर मीनिंग्स पॉसिबल। तो इन दैट सिचुएशन, एम्बिग्यूटी की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, लॉजिकल या फिर ऐसे कह सकते हैं फंक्शनल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन है अगर ऐसा होता है कि जो दो पोर्शन है किसी स्टैट्यूट में वो एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या कर सकती है, लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कर सकती है। तीसरा पॉइंट है वेयर देयर इज अ लैक्यूना इन द लॉ इटसेल्फ, मतलब अगर लॉ में खुद ही कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं वो कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है वेयर देयर इज अ लॉजिकल डिफेक्ट इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन दैट सिचुएशन कोर्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकती है। तो यहाँ पर चार पॉइंट्स हमने आपको बताए जिनके तहत जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकती है, कोर्ट को स्टैट्यूट की जो शब्दावली है उसमें हेर फेर करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उससे डेविएट होने के लिए उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो ये था आपका फंक्शनल या फिर जिसको हम कहते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये तो थे आपके इंटरप्रिटेशन के काइंड। तो आज के वीडियो में लगभग हमने इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये डिस्कस किया, स्टैट्यूट क्या होता है ये डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके और क्यों करना पड़ता है इंटरप्रिटेशन ये हमने आपको बताया, और लास्ट में हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जो भी वीडियोस आने वाली होंगी या बना दी जा चुकी होंगी वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।